हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सीएम मित्तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ठीक है, आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि लास्ट 1 मंथ है, ऑलमोस्ट एक हफ्ता बस गया कि आपका लास्ट मंथ आएगा एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, और बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखो, टेक्निकल बातें सब आपको बताएंगे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग टीचर्स आपको मदद कर ही रहे हैं, और इट्स नेवर एंडिंग, इट्स नेवर एंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं नॉन टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कि जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ टेक्निकल चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, वो वन ऑफ द पार्ट होती है और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि नॉन टेक्निकल बातों पे भी ध्यान देना है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अटेम्प्ट गवा चुके हैं और वो इससे मतलब कोरिलेट कर सकते हैं। बरबा, जो भी बातें मैं बताऊंगा सब आप देख चुके हो, अगर आप 3 4 अटैम्प्ट पहले दे चुके हो तो ये सब बातें, सब गलतियां आप भी कर चुके हो, तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट है या जो ये गलती नहीं कर चुके हैं तो उनको ये गलती अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, सबसे पहला पॉइंट है राइट माइंडसेट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आप क्या चीज़ से भिड़ने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि क्या मैमथ स्टडीज़ हैं, क्या मैमथ सिलेबस हैं, टाइम कितना कम है और कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रहे हैं और या आप आने वाले हैं। बरोबर, तो ये चीज़ है। ऊपर से मई का महीना, गर्मी और जो ये है वो एक अलग ही बैटल आप लड़ने वाले हो। ठीक है, तो माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हर चीज़ में आपको पॉजिटिव ही दिखना चाहिए। नेगेटिव रिएक्शन आपको नहीं देना है कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा या मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ये थॉट्स देखो आएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि थॉट्स नहीं आने चाहिए, थॉट्स नेगेटिव आते हैं, बट आपको उसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, उसको रिएक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, हाँ ये तो थॉट्स आएंगे, क्योंकि आप चीज़ ही ऐसी कर रहे हो। लोग ये नहीं देखते कि आप चीज़ क्या कर रहे हो। बीकॉम में आप जैसे बीकॉम करते हो, कभी ऐसा लगा क्या फेल हो जाऊंगा? मुझे बताओ ना, बीकॉम में जब आप करते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता है कि मैं एक दिन पढ़ के पास हो सकता हूँ? तो वो चीज़ ही वैसी है, समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझना है पहले कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, उसका रिस्पेक्ट करना है। काफ़ी लोगों को ये रिस्पेक्ट नहीं है, वो उसको बीकॉम, LLB और बाकी कोर्सेज से कंपेयर करते हैं। देखो, CS की अपनी एक अलग जगह है, और आज जो लेवल है, आज जो लेवल ऑफ पेपर्स आ रहा है, मानिए मेरी बात, वो CA से भी कंपेरेबल नहीं है, CA से भी कंपेरेबल आज आपका कोर्स नहीं रहा है, तो अलग ही मुकाम पे है वो। तो आपको उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ठीक है, हमारी लेवल बहुत ज़्यादा चल रही है, क्यों चल रही है, क्या चल रही है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इस पे सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक्सपेक्टेशन समझनी है इंस्टीट्यूट की और अपने आप को तैयार करना है, वहाँ आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करना है, ताकि ना कि आप ये सब डिस्कशंस करो कि क्यों ICSE कर रहा है। बरोबर, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, अगर आपको अपने आप को CS देखना है, तो फिर आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी जो इंस्टीट्यूट चाहता है। बरोबर, तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बना या बिगाड़ सकती है, और जो आपकी इतनी 5 महीने की मेहनत होगी वो पूरी बन या बिगड़ सकती है आपके माइंडसेट से। तो प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा जगह मत देना। जब भी कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, अब वो थॉट्स कब आते हैं? जब आप खाली बैठे हो या आप कुछ इफेक्टिव नहीं पढ़ रहे हो, यानी आपकी इच्छा नहीं हो रही पर आप फिर भी पढ़ रहे हो, तो ऐसे थॉट्स आएंगे। तो मेरा बोलना है, अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाओ, मतलब जो इच्छा हो रही है वो करो। आप अगर ज़बरदस्ती पढ़ने बैठोगे तो आपको ये थॉट्स आएंगे और वैसे भी पढ़ाई होने नहीं वाली। तो भले इफेक्टिव आवर्स थोड़े कम हो चलता है, पर पढ़ाई जब कर रहे हो तो इफेक्टिव करो, ताकि कोई निगेटिव थॉट्स ना आए। समझ में आ रहा है? तो ये माइंडसेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, नेगेटिविटी से दूर भागना है, क्योंकि नेगेटिविटी आपको आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा नेगेटिविटी आएगी नहीं, या आपको सब लोग पॉजिटिविटी देंगे, टीचर्स के थ्रू भी नेगेटिविटी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, वो सबका पर्सपेक्टिव होता है। अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव लग रही है तो आप उसको अवॉइड करो, उससे दूर भागो। जैसे मैं करता हूँ, मैं काफ़ी लोगों को अनफॉलो करता हूँ, अनफ्रेंड करता हूँ, अनसब्सक्राइब करता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ। मैं बहुत ही इसमें बहुत मतलब पिछले 1 साल में मैं बहुत ही एक्टिव रहा हूँ इसमें। पहले मैं भी सोचता था और मैं भी थोड़ा हावी होने देता था, बट अब माइंड इतना क्लियर हो गया है कि बस नेगेटिविटी से दूर भागना है, सामने वाले की नहीं सोचनी है कि उसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। मुझे लगता है कि अगर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर देता हूँ।
तो ये मेरा मतलब, ये मेरा मंत्र है कैसे मैं फोकस रहता हूँ, कैसे मैं पूरा दिन अपने काम में रहता हूँ। तो मैं बहुत बोल्ड डिसीजंस लेता हूँ और आपको भी ये 1 महीने में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सब फर्स्ट पॉइंट ही मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है जो कॉमन, बहुत सारे आपको पता भी होंगे कुछ कुछ, कंटिन्यूस राइटिंग प्रैक्टिस। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि लास्ट मंथ डिसाइड करेगा कि आप पेपर्स में कितना फास्ट लिख पाओगे, आपकी स्पीड क्या होगी, बरोबर, या आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, पेपर आप पूरा कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपका 1 महीने का जो प्रैक्टिस होगा वो डिसाइड करेगा। तो आपको बस कोशिश करनी है कि रोज एटलीस्ट वंस इन अ डे आप कुछ ना कुछ लिखो, शॉर्ट नोट्स लिखो, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ ना कुछ आप लिखो, आपके हाथ चलते रहने चाहिए, नहीं तो फिर आपका स्पीड कम हो जाएगा और उसका इफेक्ट आपको पेपर्स में दिखेगा, आपका पेपर्स छूट जाएगा। और एक हैबिट आपको डेवलप कर लेनी है, आखिरी महीना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर अभी तक किया नहीं अब क्या होगा, ये भी देखो निगेटिविटी है। अरे अभी जो हो सकता है उतना तो करो, पास्ट मिस्टेक्स को आप रिपीट क्यों कर रहे हो, अरे अभी तक नहीं किया ठीक है ना, ये तो अपॉर्चुनिटी है चेंज लाने का, आप चेंज लाओ, उसको कवर अप करो जितना कवर अप होगा। देखो जितना पॉसिबल हो उतना करना है आपको, हर चीज़ आपके रिजल्ट से कनेक्ट नहीं करनी है कि इतना करने से मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। सब लोग बहुत फास्ट मतलब ये रहते हैं कि सर इतने से हो जाएगा क्या, अरे भाई वो किसको नहीं पता होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है, वो रिजल्ट ही बताएगा और पेपर्स क्या आने वाले हैं, आप कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे, क्या करोगे, ये सब किसी को कुछ नहीं होता, आपके हाथ में आज एफर्ट देना है और आप उसको पोस्टपोन मत करो, उसको कैंसिल मत करो। बस ये मेरा बोलना है कि जितने भी एफर्ट्स आप ले सकते हो अपना 100% हो, मोर देन 100% देने की कोशिश करो, ताकि आपको कभी बुरा ना लगे कि आपने ट्राई नहीं किया, शायद कर लेता तो हो सकता था, आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आपको जो लगता है करना है वो कर लो, उसका इफेक्ट क्या होगा वो छोड़ दो, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, रोज कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स, केस लॉस, प्रैक्टिकल अगर आपका है, कॉस्टिंग है, टैक्स है, सेकेंड ग्रुप में अकाउंट्स हैं, तो आपको सॉल्व करना है, सिर्फ देखना नहीं है। काफ़ी लोग बस देख देख के मतलब वो खुश हो जाते हैं कि हाँ अपने को जम रहा है, हाँ ये तो ईजी है, अरे पर ऐसा नहीं होता, आपको वो सॉल्व करके देखना है एक्चुअली आप लिख पा रहे हो कि नहीं, कि लिखते लिखते डाउट्स आते हैं, जब आप देख रहे हो उसको तो वो तो दिखा हुआ, आपका माइंड अपने आप चलता है, पर जब वो प्लेन पेपर पे आप लिखते हो तब थॉट प्रोसेस डेवलप होता है और तब आपको समझेगा कि आपको एक्चुअली आता है या नहीं आता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से देखना नहीं, ऑडिटिंग नहीं करनी है आपको, आपको पूरा लिखना है, मेहनत से लिखना है, ठीक है। फिर जो ये कॉमन सेंस है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बराबर। काफ़ी लोग हंसते हैं कि यार सर ये भी कोई बोलने की बात है, अरे पर बोलने की बात है, इन स्पाइट ऑफ दैट लोग बेवकूफ़ी करते ही हैं, धूप है फिर भी आप घूम रहे हो या बाइक भगा रहे हो, रेसिंग कर रहे हो, काफ़ी लोग ये करते हैं, एक्सटेंड हो जाता है, गया अटेम्प्ट, बीमारी हो जाती है, 10-15 दिन गए, गया अटेम्प्ट। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक दिन भी आपको बीमार नहीं पड़ना है। स्लीप, आपको एक एडिक्वेट स्लीप की ज़रूरत है, 7 से 8 घंटे सोना है भाई, 1-2 घंटे पढ़ाई कम हुई चलता है, पर कंसिस्टेंट स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जोश जोश में आप 1-2 हफ्ता पढ़ लोगे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, अरे पर वो सस्टेन नहीं हो पाएगा। आपको अब ऐसा अपना स्टडी प्लान बनाना है जो पूरे 1 महीने तक सस्टेन हो। जैसे मैं नाइट शेड्यूल फॉलो करता हूँ, तो मैं हर 3-4 दिन में एक ब्रेक लेता हूँ, एक ब्रेक मतलब 1-2 दिन नाइट नहीं मारता हूँ, क्योंकि उसके बाद बॉडी पे रिएक्शन समझ में आ जाते हैं, हेडेक्स होते हैं, आंखें दुखती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये आपको अपने शरीर को समझना है कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कितना वो सस्टेन कर सकता है। तो आपको मेरे हिसाब से 1-2 घंटे कभी सेक्रीफाइस करने पड़े, रोज भले थोड़ी पढ़ाई कम हो तो भी चलता है। आपको 1 महीने में बस एक ही चीज़ के लिए कॉन्शियस रहना है कि आपकी स्टडी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ब्रेक नहीं आनी चाहिए। बीमार पड़े, कुछ हुआ, 1-2 दिन ब्रेक, फिर आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको सस्टेन करना है बस। तो आपको पढ़ाई उतनी करनी है जितनी आपसे हो रही है, जितनी आपसे हो रही है, मेंटली फिजिकली हर एंगल से आपको ये देखना है, ठीक है। तो हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखना है, खाने का, इधर उधर घूमना नहीं है ज़्यादा, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। फिर है वही, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, जब भी थॉट्स आए तो जो भी आपका एक प्रोसेस है अपने आप को मोटिवेट करने का, आपको उस पर लग जाना है। गाने सुनने, गाने सुनो, वीडियोस देखने, वीडियोस देखो, ब्रेक ले लो, कहीं घूमने जाओ, फ्रेंड से मिलो, थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे भी दे दो। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हो, देखो वैसे ही अगर आप डीमोटिवेट होने के वक्त जब आप पढ़ रहे हो या बुक लेके बैठे हो, आपकी वैसे भी देखो इफेक्टिव स्टडी हो नहीं रही है, और आप वो 1-1.5 घंटा 2 घंटा और आप वेस्ट ही कर दोगे। तो बेटर है आप ऐसी चीज़ करो जिससे आपको अच्छा लगता हो, आप रिलैक्स फील करते हो और आप उसमें टाइम दो तो चलता है, ताकि आप आगे जो दिन के और जो टाइम बचा है
वो आप एटलीस्ट यूटिलाइज कर पाएं, ठीक है। फिर है जो पूरे एक महीने में आपको करना है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, पर उसमें भी बैलेंस करना है। देखो काफ़ी मिथ है, काफ़ी लोगों के मिथ डेवलप किए गए हैं कि नया मत पढ़ो। अब वो भी सही है, नया नहीं पढ़ना चाहिए, पर वो मेरे हिसाब से वन डे बिफोर एग्जाम के लिए ही फिट बैठता है। वन डे बिफोर एग्जाम तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री विद दैट स्टेटमेंट एंड आई वाउच फॉर दैट स्टेटमेंट कि यार एक दिन पहले जब आप एग्जाम के बहुत नज़दीक हो और आपके पास कवर अप करने का टाइम ही नहीं है, तो फिर आपको नया नहीं लेना चाहिए कुछ भी। नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जो टॉपिक्स आपको समझते हैं, जो आप पढ़ चुके हो, आपको जिसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, आपको सिर्फ वही रिवाइज करना चाहिए। बट अभी अपन उस स्टेज पे नहीं है, अभी भी आपके पास लगभग लगभग 35 to 40 days हैं। 35 days है, 35 days में मुझे लगता है अभी भी आप जो भी टॉपिक आपको पता है कि आप छोड़ चुके हो या आपको नहीं आते, अभी भी आप थोड़ा सा टाइम डिवोट कर सकते हो। अगर उसका वेटेज है तो, वेटेज है आपको लगता है आपके माइंड में खटक रहा है कि यार वो मैंने छोड़ दिया है, वो मुझे नहीं आता है, यार वो आ गया तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो बेटर है उसको कवर करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कवरेज बढ़ाना देखो एक कॉन्स्टेंट काम है, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन बैठा चलो आज मैं पूरा वो पढ़ूंगा जो मैंने नहीं पढ़ा। ऐसे ऐसे टाइम्स आपको नहीं मिलने वाले। तो थोड़ा 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 थोड़ा, एक पेज दो पेज, एक पेज दो पेज, एक आध छोटा चैप्टर, जो भी चीज़ें आपने छोड़ी हुई हैं, काफ़ी लोगों ने कंपनी लॉ के लास्ट चैप्टर छोड़े हुए हैं, तो आप एक एक करके कवर करो, एक एक करके कवर करो। अभी भी टाइम है, कवरेज वाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कवरेज वाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेबी में भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें और कवर करनी है और ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ो, अभी भी टाइम है। अकाउंट्स में भी काफ़ी लोगों ने चैप्टर के चैप्टर छोड़ दिए हैं, काफ़ी टाइप ऑफ क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, ऑडिट को अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा, ऑडिट के बहुत सारे यूनिट छोड़ दिए हैं। तो अभी भी टाइम है, 40 days 30 days जो भी है अभी भी कम नहीं होते, अभी भी आप कवर अप कर सकते हो। तो मुझे लगता है स्कोप भी बढ़ाते जाओ साइड बाय साइड, एक एक पन्ना एक एक पन्ना और ऐड करते जाओ अपने पढ़ाई में ताकि वो आपको फायदा दे पेपर में, ठीक है। तो वो है रिवाइज भी करना है, मतलब वही टाइम डिवाइड करना है कि चलो जो हो गया है उसको रिवाइज करते रहो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ते रहे। और साइड बाय साइड आपको ये भी अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आपने छोड़ी हुई हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वहां पे भी एक प्रपोर्शन ऑफ टाइम डाइवर्ट करना है ताकि वो भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे एग्जाम तक, ठीक है। फिर है कीप योर स्टडी बैलेंस्ड, यही मैं बोल रहा था, बैलेंस रखो। रिविजन काफ़ी लोग बस यही डर में होते हैं, सर आखिरी महीने में तो रिविजन करते हैं, सर मेरी तो रिविजन ही चालू नहीं हुई है, या मेरी तो रिविजन अभी पहली रिविजन है। तो ये सब देखो थॉट्स डिमोटिवेट ही करेंगे। हर इंसान अलग होता है, काफी लोगों को एक बार पढ़ के याद हो जाता है, काफी लोगों को 10 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता। तो ये चीज को क्या बोलोगे आप, होता है कि नहीं होता है? आपको फ्रेंड्स, आपको भी पता ही होगा, कुछ फ्रेंड्स हैं आपके एक दो बार पढ़ के उनको पूरा याद हो जाता है, पर कुछ लोगों को 7-8 बार याद मतलब रीड करने के बाद भी उनको लगता है कि यार उनको कुछ भी नहीं आता। तो ये यही समझना है कि हर इंसान अलग है, हर इंसान का माइंड अलग है, हर इंसान के एफर्ट्स अलग है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग है। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है, समझ में आ रहा है? तो डिमोटिवेट नहीं होना है उसमें, कि जितना भी हो रहा है आप करते जाओ, बस सोचने में आप टाइम वेस्ट मत करो, और जो सोचना जो आप सोच रहे हो उसको आपके आगे के एक्शंस पे हावी मत होने दो। इरिस्पेक्टिव आपके आपके जो थॉट्स हैं, आपका शेड्यूल चलते रहना चाहिए, आपको बस यही कोशिश करनी है, ठीक है। तो बैलेंस स्टडी करना है, मतलब कुछ समय रिवीजन के लिए देना है, कुछ समय नया नया पढ़ना है, वो भी चीज़ें कवर करनी है जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या जो आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। जैसे मैं कंपनी लॉ के लिए बोलता हूँ, केस लॉस। अब केस लॉस जितना पढ़ो कम है, इतना वाइड अभी स्पेक्ट्रम हो गया है कंपनी लॉ का, जिस लेवल पर अभी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं कुछ नहीं बोल सकता कि क्या सफिशियंट है। काफ़ी लोग पूछते हैं सर मैंने 250 केस लॉ पढ़े हैं, इज दैट सफिशियंट? तो कोई नहीं बोल सकता भाई, 250 पढ़ के क्या होगा, किसको कुछ पता नहीं है। जितना ऐड कर सकते हो सिचुएशंस, जितनी चीज़ें ऐड कर सकते हो करते रहो, कभी ऐसा आपको लेवल नहीं आएगा कि आप सेटिस्फाई हो जाओ कि चलो मेरी पढ़ाई हो गई है। एटलीस्ट फॉर कंपनी लॉ आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो बैलेंस स्टडी रखो, नया नया भी पढ़ो रिवाइज भी करते रहो। फिर कीप रिव्यूइंग ये प्रोग्रेस ऑफ स्टडी। काफ़ी मैंने एक बार ये भी देखा है कि टेंशन आने का रीज़न क्या है, कि आप इवेल्युएट ही नहीं करते हो अपने आप को। एक तो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, ऊपर से आप स्टेटस नहीं देखते हो कि आपका पढ़ाई का स्टेटस क्या है, कितने चैप्टर्स हो गए, कितने मार्क्स का वेटेज कवर हो गया है, कितने टॉपिक्स कवर हो गए, क्या लेवल आपका है उसमें। तो इससे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगा कि चलो 70 मार्क्स का अपना हो गया है, चलो 80 मार्क्स का अपना हो गया है। कि काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज नहीं है, पर वो आपको टेंशन देते हैं, तो आपको वहाँ पर माइंड
थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड रखना पड़ता है कि चलो ठीक है चैप्टर नहीं हुए, कितने मार्क का आता है। काफी लोग टैक्सेशन में जैसे टेंशन में है कि लास्ट चैप्टर्स रह गए हैं, तो आप उनका देखो वेटेज कितना है, एवरेज वेटेज कितना है, कम से कम कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना है, कितना अफेक्ट कर सकते हैं, क्या वो हमको पास होने भी नहीं दे सकते। अरे भाई जीएसटी है आपके पास और इनकम टैक्स का आधा पेपर इजी आता है, मुझे लगता है 70 मार्क्स का तो सबका प्रिपरेशन हो चुका होता है। जीएसटी लगभग आप पूरा कर सकते हो, इनकम टैक्स आधा भी हो गया तो भी मैं बोल रहा हूँ 70 मार्क तक तो आप आई गए हो, ऊपर से एमसीक्यू पेपर है, तो यार 70 से तो आप आराम से पास हो सकते हो। मुझे नहीं लगता कि आपको इतना टेंशन लेना चाहिए कि आप पास हो पाओगे कि नहीं, या आप 50 तक पहुंच पाओगे कि नहीं। आपका अगर 80 मार्क्स का भी हो गया है, छोटे छोटे कुछ कुछ चैप्टर नहीं हुए हैं, अपील्स ये वो बहुत पीछे के हैं चैप्टर्स, मैं बोल रहा हूँ कि उसका वेटेज कितना है आप वो देखो, उसको हावी मत होने दो, थोड़ा थोड़ा कवर अप करो, क्योंकि एमसीक्यू है, माइन्यूट माइन्यूट एक एक पॉइंट एक एक पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा आधा आधा पेज आप कवर करते जाओ, आधा आधा पेज भी अगर आप रोज कवर करो कंसिस्टेंसी से एग्जाम तक पूरा ही कवर हो जाता है, क्यों टेंशन लेते हो। अरे आधा घंटा रोज डिवोट करो, जितना पढ़ना होता है पढ़ लो, ऐसा मेरा बोलना है, यानी सिंप्लीफाई करते जाओ उसको, रिव्यू करते जाओ कि कितना हो रहा है और उतने से आप पास हो सकते हो कि नहीं, और अगर पास हो सकते हो तो आप टेंशन मत लो, जितना कवरेज बढ़ा सकते हो बढ़ाते जाओ, थोड़ा 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 कवर करते जाओ, ठीक है। तो प्रोग्रेस रिव्यू करना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए, और जहां आपका प्रोग्रेस आपको कम दिख रहा है कि यार ये सब्जेक्ट में तो बहुत कम कवरेज हुआ है मेरा और कहीं बहुत ज्यादा हुआ है, तो वहां थोड़ा टाइम घटाओ, और जहां काफी कम आपका पढ़ना हुआ है वहां आप टाइम थोड़ा बढ़ाओ, तो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग आपको करते रहना पड़ेगा। प्रोग्रेस से आपको पता चलेगा कहाँ टाइम ज्यादा डाइवर्ट करना है, कहाँ से टाइम कम करना है, ठीक है। और फिर है कीप योर प्लान रेडी फॉर वन डे बिफोर एग्जाम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आपका माइंड तैयार होना चाहिए आखिरी एक दिन में, कैसे आप उसको फेस करोगे, कैसे उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो मैमथ सिलेबस कैसे कवर करोगे, इसमें आपका माइंड कन्विंस्ड होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि आपका डिसाइड हुआ है इतने को इतना टाइम दूंगा, इतना जो भी है पूरा आपका कैलकुलेशंस हो जाना चाहिए। और कोई टीचर के लिए वेट मत करो कि सर वीडियो डालेंगे फिर मैं डिसाइड करूंगा, ऐसे नहीं होता, आप अपने हिसाब से बना लो, टीचर से आपको बस इतनी हेल्प मिलेगी कि आप उसको एडिट करो, उसको रिवाइज करो सूटेबली, बट बनाओ, बनाने के लिए किसी के लिए वेट मत करो, ना मेरे लिए ना किसी भी टीचर के लिए, आप बना लो और उसको फॉलो करो, और बस लास्ट जो भी 7-8 डेज हैं उसमें जो जो लोग वीडियोस डालेंगे मैं भी डालूंगा, उससे आप अपना उसको शेड्यूल को रिवाइज करो, पर वेट मत करना। आपका माइंड बैलेंस होना, आपका माइंड फिक्स होना बहुत जरूरी है कि आप वो कैसे पढ़ने वाले हो और किस कौन से टॉपिक को कितना टाइम दोगे। जैसे अकाउंट्स में लोगों को डिसाइड ही नहीं रहता और आखिरी दिन पे फिर वो सॉल्व करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आखिरी दिन पे सॉल्व कर रहे हैं, अरे इतना टाइम थोड़ी है आपके पास, तो आपके क्वेश्चंस निकाले हुए होने चाहिए कि हाँ ये टाइप का ये क्वेश्चन, ये टाइप का ये क्वेश्चन, थ्योरी इतने पेजेस की है, ये इतना है, सब डिसाइडेड होना चाहिए, और वो पूरा एक शेड्यूल एक दो बार आपको करके देखना है एग्जाम के 10 डेज पहले कि वो एक दिन में हो पा रहा है कि नहीं, कितना हो पा रहा है, उसको फिर रिवाइज करना है, और वो जो एक्चुअल पेपर होगा उसके लिए आपका बेस्ट प्लान रेडी होना चाहिए, जितना प्रैक्टिकल हो उतना अच्छा है, मतलब जितना आप उसको आपको लगे कि आप कर सकते हो उतने समय में उतना टॉपिक आप पढ़ लोगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि ठीक है मैंने ये टॉपिक इतने में पढ़ा था इतने टाइम में, तो अब मैं इतने में पढ़ लूंगा, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है कि ये जो फाइनल डे है वो दिन एक दो बार जीके देखना है कि हाँ एक दिन में चलो मैं टैक्स देखूं, मैं पढ़ के देख पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं, कॉस्टिंग में पूरा एक दिन पढ़ूंगा मेरे से पूरा हो पाता है कि नहीं, कंपनी लॉ एक बार मैं एक दिन में पढ़ के देखता हूँ, देखो मैं कितने केस लॉ रिवाइज कर पाता हूँ, बरोबर। तो ऐसे आपको अपने हिसाब से अपने शेड्यूल जैसा आपको शेड्यूल परमिट करता है एटलीस्ट वंस आपको वो एक दिन पूरा रिवाइज करके, मतलब एक दिन में रिवाइज करके देखना है। काफी लोग कन्वीनियंस देखते हैं कि 3 दिन में डिवाइड करता हो जाएगा, अरे पर लास्ट डे पे क्या करोगे, एक दिन तो आखिरी में तो एक ही दिन मिलने वाला है, वहां थोड़ी आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हो, तो एक दिन एटलीस्ट वो जियो कि वो कैसे आप वो पूरा एक दिन में कितना पढ़ पा रहे हो, ताकि आप अपने प्लान को सूटेबली एडजस्ट कर पाओ, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, आई होप कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट आपके काम की चीज आपको मिली होगी और ये वीडियो आपके वर्थ होगा, ना कि टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये बातें हैं आपको सूटेबली देखनी है और उसके हिसाब से अपना प्लान बना लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।